हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रजनीश कौर, सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8, बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो इस वक्त भी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, कंसंट्रेशन आपकी मेरी तरफ है, आप फोकस कर रहे हो, आपका ब्रेन जो है वो फंक्शन कर रहा है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडीज़ की, ये लगातार होती रहती हैं बच्चे, ठीक है। इन मूवमेंट्स को समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि क्या हमें हेल्प करता है मूवमेंट में, किस तरह से ये फंक्शंस जो हैं हम परफॉर्म करते हैं, और इसमें बोन्स और मसल्स की क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाली है, उसकी हम बात करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। अब देखिए, बॉडी मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, तो जब हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे होते, है ना, तो जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ सुन रहे हो मुझे, तो उस टाइम भी यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज, अपनी आंखें झपक रहे होंगे टाइम टू टाइम, है ना, और आप अपने मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, किस तरह से आप ब्रीदिंग कर रहे हो। तो देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़। इसके अलावा हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट जो कंटिन्यूसली हो रहा है, हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक होगा, तो ये सारी चीज़ें जो ये मूवमेंट्स हैं, ये हमारी बॉडीज़ में होती रहती हैं। तो व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर मूविंग, कौन सा पार्ट आप हिला रहे हो, है ना, आप जब अपने फ्रेंड की तरफ टर्न कर रहे हो, देख रहे हो, तब कैसे मूव कर रहे हो, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस, है ना, एक जगह पर बैठे बैठे भी आप अपने डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर सकते हो। जैसे आप उठते हो, अपने टीचर के पास जाते हो, स्कूल कैंपस में घूमते हो, घर जाते हो, है ना, तो वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं वो आप डेली लाइफ में करते हो। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। तो पहले बूझो का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये। बूझो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ही नोज दे डो नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स। तो यहाँ बूझो कह रहा है कि प्लांट्स की मूवमेंट्स के बारे में भी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो जा नहीं सकते, है ना, तो वो दूसरी कौन सी टाइप की मूवमेंट्स को शो करते होंगे। तो बूझो का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, तो मूवमेंट्स उनमें भी होती हैं। आइए देखते हैं टेबल 8.1 में, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फर्स्ट कॉलम में एनिमल के नेम्स दे रखे हैं बेटा, देन सेकंड कॉलम में उनका जो ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, मूवमेंट के लिए यूज़ होता है वो दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हाउ डज द एनिमल मूव वो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे काउज के लिए पार्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, उनकी लेग्स, और मूवमेंट को हम कहते हैं वॉकिंग। देन ह्यूमन बींग्स में भी लेग्स हमारी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, देन अगेन वॉकिंग, रनिंग, देन स्नेक, होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है बेटा मूवमेंट में स्नेक की, तभी वो मूव कर पाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं स्लिदरिंग। इसी तरह से बर्ड के विंग्स हेल्प करते हैं, लेग्स हेल्प करती हैं, तो फ्लाइंग एंड हॉपिंग, है ना, इंसेक्ट्स क्रॉल करते हैं, देन फिश स्विम करती है, तो फिश का कौन सा पार्ट मूव करता है, फिन्स एंड टेल हेल्प करते हैं उसको, ठीक है, उसकी मूवमेंट को हम कहते हैं स्विमिंग। तो ये आपने टेबल फिल करना है। इसी तरीके से बेटा आप और भी एनिमल्स ले सकते हो और उनका पार्ट ऑफ जो बॉडी यूज़ हो रहा है मूवमेंट के लिए वो लिख सकते हो, है ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो लिख सकते हो। नाउ 8.1, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। तो ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट की अगर हम बात करें, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। हम सबसे पहले अपने बारे में डिस्कस करते हैं कि हम कैसी मूवमेंट करते हैं, इससे पहले कि हम बाकी एनिमल्स की वैरायटीज़ के बारे में बात करें। तो डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। गेम्स के पीरियड में आपको बहुत मज़ा आता है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, आपको बड़ा इंतज़ार रहता है कब बेल होगी, हम ग्राउंड में जाएंगे और हम डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो आप अपने हैंड्स और लेग्स को ड्यूरिंग एक्सरसाइज किस तरह से मूव करते हो, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स ऑफ आर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, ठीक है। सबसे पहले देखो, बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, ठीक है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म,
आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो अपनी आर्म को कैसे मूव करोगे. नाउ डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट. डिड यूअर शोल्डर ऑल्सो मूव. क्या आप इसको अपने शोल्डर से सर्कुलर मूवमेंट में मूव करोगे या फिर आपका शोल्डर भी आपकी आर्म के साथ मूव करेगा. देन लाई डाउन योर रोटेट योर लेग एट द हिप. अब हिप के पास से अपनी लेग को रोटेट करो. देन बेंड योर आर्म एट द एल्बो. अपनी एल्बो को बेंड करो, आर्म को बेंड करो एल्बो से, ठीक है. एंड द लेग एट द नी. और घुटने से लेग को बेंड करो. नाउ स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज. अपनी आर्म्स को साइड की तरफ स्ट्रेच करो. बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, ठीक है. अपनी आर्म को बेंड करो ताकि जो आपकी फिंगर्स हैं आपके शोल्डर्स को टच करें. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड. तो कौन सा पार्ट आप बेंड करोगे. स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स. अब अपनी आर्म को सीधा करो और दूसरी तरफ बेंड करने की कोशिश करो डाउनवर्ड्स. आर यू एबल टू डू इट. मैं तो नहीं कर सकती बेटा, आप करके देखो. यस, आप भी नहीं कर पा रहे. देन ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन द टेबल 8.2. इस टेबल में आपने बॉडी पार्ट का नाम दे रखा है बेटा. आपको कौन सा कम्प्लीटली रोटेट हो जाता है वो उसके आगे यस लिखना है, ठीक है. जैसे आर्म. देन रोटेट पार्टली टर्न्स यानी आधा रोटेट कौन करता है. बेंड कौन हो जाता है. लिफ्ट कौन कर सकता है. डज नॉट मूव एट ऑल जो बिल्कुल नहीं हिलता वो पार्ट कौन सा है. ये आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी ईजिली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी मूवमेंट्स को समझने के लिए. क्या कि हम कुछ पार्ट्स को तो बहुत ईजी से मूव कर रहे हैं लेकिन कुछ पार्ट हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते. तो ऐसा क्यों है. क्या इसको ऐसा करने पर हेल्प करता है. Why are we unable to move some parts at all? और क्यों हम कुछ पार्ट्स को बिल्कुल भी नहीं हिला सकते. तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं इसको समझने के लिए. प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. आपने अपनी एल्बो को सेंटर में रखते हुए एक स्केल को टाई कर लेना है अपने टाइटली अपनी आर्म के साथ स्ट्रेट. देन आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर. अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो. नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो. आर यू एबल टू डू इट. अब अपनी एल्बो को बेंड करके देखो क्या तुम ऐसा कर सकते हो. डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेज वी आर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट टूगेदर लाइक एल्बो शोल्डर और नेक. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ज्वाइंट्स. इनको बेटा हम ज्वाइंट्स बोलते हैं जहाँ से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स. क्या आप ऐसे और ज्वाइंट्स बता सकते हो कौन से हैं. इफ़ योर इफ़ आर बॉडी हैज़ नो ज्वाइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल. नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा. अगर ज्वाइंट्स नहीं होंगे तो हम मूव नहीं कर सकते. सो व्हाट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दीज ज्वाइंट्स. अब देखते हैं ज़रा क्या होता है यहाँ पर. प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड. अपने फिंगर्स को ना अपने हेड के टॉप पे लेकर जाओ और प्रेस करो. देन फेस को प्रेस करो, नेक को, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज. सबको आपने प्रेस करके देखना है. डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स. क्या तुम्हें कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम्हारी फिंगर्स जो हैं वो किसी हार्ड चीज़ को टच कर रही हैं. द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स. ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं बेटा इनको हम कहते हैं बोन्स. और आपने ये रिपीट करना है. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. सो मेनी बोन्स आर देयर. नाउ बोन्स कैन नॉट बी बेंट. सो हाउ डू वी बेंड आर एल्बो. मतलब बोन्स तो बेंट नहीं हो सकती तो हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड करते हैं. इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आर रिस्ट. तो ये तो प्रूफ है. अगर हम एल्बो को बेंड कर रहे हैं इसका मतलब कोई हमारे पास एक सिंगल लॉन्ग बोन नहीं है शोल्डर से लेके नीचे तक आर्म में, ठीक है. इट इज़ डिफरेंट बोन्स. तो अलग अलग बोन्स होंगी तभी एल्बो से बेंड हो रही हैं बेटा. नाउ ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो. जो कि टू बोन्स हैं जो एल्बो में ज्वाइन हो रही हैं. डिफरेंट बोन्स एल्बो में ज्वाइन हो रही हैं एक ज्वाइंट के थ्रू. सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. इसी तरह से हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट हैं एंड वी कैन बेंड आर
मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट. तो ये आपको दिमाग में अभी समझ में आ जाना चाहिए. अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो कि जहाँ पर हमारी बोन्स मीट करती हैं वहाँ पर जॉइंट होता है और उसी पार्ट को मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी में से और किसी को नहीं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम जो फर्स्ट टाइप का जॉइंट है दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके बारे में पढ़ेंगे. एक्टिविटी टू करेंगे हम जिससे हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की पूरी फंक्शनिंग किस तरह से परफॉर्म करता है समझ में आ जाएगी. आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर. आपने एक पेपर लेना है और उसको एक सिलेंडर की शेप देनी है. मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल. अब आपने उसमें एक स्मॉल होल करना है ना, एंड ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल लेनी है एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट. उसके अंदर पेपर सिलेंडर को डाल देना है जैसे कि 8.2 फिगर में आपको बताया हुआ है. यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल. आप उसको स्टिक भी कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो बॉल के साथ. पुट द बॉल इन अ स्मॉल बॉल. एक स्मॉल बॉल में आपने बॉल को डालना है. ये देखिए 8.2 में मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, किस तरह से बॉल को स्टिक किया है बाउल के साथ, है ना, और पेपर सिलेंडर उसके अंदर इंसर्ट है बॉल के अंदर. तो आइए ये हम बनाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसी तरीके से. तो डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल. क्या जो बॉल है वो बाउल के अंदर फ्रीली रोटेट करेगी और इसके साथ साथ क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट करेगा. नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म. अब आप ये इमेजिन करो बेटा कि ये जो पेपर सिलेंडर है ये आपकी आर्म है एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, और बॉल उसका एंड है. द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ योर शोल्डर. बाउल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, शोल्डर के पार्ट को. टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट, जहाँ हमारी आर्म जो है वो जॉइंट है. तो अब क्या होगा बेटा, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इन टू द कैविटी ऑफ द अदर बोन. ठीक है, आपकी जो ये पेपर सिलेंडर था ना आर्म, ये फिट है कैविटी में, हॉलो स्पेस में बाउल की, जिस तरह से आपका शोल्डर है. सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. ये खासियत है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस टाइप का जॉइंट है बच्चे, जो कि ऑल डायरेक्शन, जिसको हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, येस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नाउ कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ. रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन. अब आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखना है. ये रियल का आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पहले हमने खुद बनाया था. देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर में ही नहीं, हमारे हिप्स में भी होता है, जहाँ पे हमारी लेग जॉइंट है. आप देखिए हिप बोन का डायग्राम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये, और हमारी जो थाई बोन है वो किस तरह से हमारी आर्म की तरह इसमें फिट है. देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा पिवोटल जॉइंट. तो पिवोटल जॉइंट में हमारे कहाँ पर होता है, किस पार्ट में होता है, नेक रीजन में होता है. ठीक है, ये हमारी नेक को हेड के साथ जॉइन करता है. ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि वेयर इज़ पिवोटल जॉइंट प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन द रीजन वेयर आर नेक जॉइंस विद द हेड. ओके, तो ये क्या करता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लोगे और लिख लोगे. इट अलाउज अस टू बेंड आर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ये हमारे सिर को मूवमेंट देता है, हेड को, किस डायरेक्शन में, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना. और हम हेड को टर्न भी कर सकते हैं राइट और लेफ्ट में. सो ट्राई दीज मूवमेंट्स. हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म दैट कैन रोटेट अ कम्प्लीट सर्कल. तो अब आप देखो कि आर्म की मूवमेंट तो ऑल डायरेक्शन में थी ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, लेकिन पिवोटल जॉइंट में आपकी डायरेक्शंस किस तरह से आएगी, आप इस चीज़ को नोट कर लो. फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड मूवमेंट होगी किसकी, हेड की. ओके, और कहाँ प्रेजेंट है ये हमारे नेक में प्रेजेंट है, नेक जॉइंट हो रही है हमारे हेड के साथ उस रीजन में. तो आप देखोगे ये डायग्राम, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा पिवोटल जॉइंट 8.4 फिगर में. इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग. ओके, ये आपको याद रखना है.
देन हिंज जॉइंट की बात करेंगे तो हमारा ध्यान सीधा हमारे घर के दरवाजे पे चला जाएगा जहाँ पे साइड पे हिंजेस लगे होते हैं, ठीक है। उनको वो सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, आगे पीछे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन काम करते हैं। तो अगर आप डोर को ओपन और क्लोज करोगे तो आपको हिंज जॉइंट की फंक्शनिंग अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ ओनली। देन एक्टिविटी थ्री करेंगे हम, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। जैसे आपने डोर को फील किया वैसे ही आपने एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड से या थिक चार्ट पेपर ले लो, आपकी मर्जी है। फिर आपने फिगर 8.5 में, जैसे फिगर 8.5 देख लेते हैं, देखो इस तरह से अटैच करना है आपने, है ना, रोल्ड अप सिलेंडर कैन को इस तरह से आपने अटैच करना है, जो हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज। नाउ ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। अब आपने इसको मूव करने की कोशिश करनी है तो आप देखोगे जिस तरह से डोर मूव कर रहा था फोर्थ एंड बैक, उसी तरह से ये भी मूव करेगा। तो डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज जॉइंट आप फिगर 8.5 में देख सकते हो। तो बेटा यहाँ पर 8.6 में हिंज जॉइंट ऑफ द नी रियल पिक्चर दी है आपको, हमारे घुटनों में, और इसके अलावा हमारी एल्बोज में भी हिंज जॉइंट ही होता है। तो देखिए वो किस तरह की मूवमेंट अलाउ करता है। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5, वो रियल पिक्चर आपको 8.6 में दिखाई दे रही है, ठीक है। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट, द नीज हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। इसकी स्पेशलिटी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है। अब हम पढ़ेंगे कुछ फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में। तो जब हम फिक्स्ड जॉइंट्स की बात करते हैं बेटा, तो कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं हमारी बोन्स में, हमारी जो हेड एरिया है, तो वो डिफरेंट है सभी से। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती। फिक्स्ड जॉइंट के नाम से ही पता चलता है, दीज बोन्स दे कैनॉट मूव, ठीक है, वो बिल्कुल मूव नहीं करती एट दीज जॉइंट। जहाँ भी उनके जॉइंट्स हैं वहाँ पर वो मूव नहीं करती। तो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स, ओके। अब अपना मुंह ज़रा खोलो, माउथ को वाइड बिल्कुल ओपन करो। यू कैन मूव योर लोअर जॉ। अब लोअर जॉ को आप अच्छे से मूव कर सकते हो, है ना, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली इसी वक्त करके देख लो। नाउ ट्राई टू मूव योर अपर जॉ, और इसी वक्त आप अपना अपर जॉ मूव करने की कोशिश करो, ज़रा कर सकते हो? आर यू एबल टू मूव इट? देर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। इसलिए यहाँ पर एक ऐसा जॉइंट है अपर जॉ में, ठीक है, जो बिल्कुल फिक्स्ड है, जिसको हम चाहकर भी मूव नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड जॉइंट का ये बेस्ट एग्जांपल है अपर जॉ। नाउ वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कैन कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। अब तो हमने जॉइंट्स की बात की ना, हमारी बॉडी पार्ट्स को शेप कौन देता है? तो अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हो ना बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? Perhaps a framework to give the doll shape. Before आपको एक framework चाहिए जिस पर आप काम कर सको, है ना, doll का framework बनाना पड़ेगा, एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा आपको rough. उसके बाद ही आप उसका outer structure बना पाओगे, ऐसा ही होता है। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी अपनी बॉडी का एक framework चाहिए जिससे कि हम अपनी बॉडी को एक शेप दे सकें, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें। तो बेटा ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए अंडरलाइन कीजिए। द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है कि बर्थ के टाइम पर कितनी बोन्स होती हैं। 305 होती हैं। हमारा जो स्केलेटन है वो हमारी एज के साथ साथ नंबर ऑफ बोन्स चेंज होती रहती हैं, इसमें छोटी छोटी बोन्स में मर्ज हो जाती हैं जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं। तो इट डिक्रीजेज इन 206 बोन्स, और जब हम एक अडल्ट प्रॉपर बन जाते हैं तब हमारी बोन, ये सारी जो 305 बोन्स थी ना बर्थ के टाइम पर, ये आपस में ज्वाइन होकर मर्ज होकर ये 206 रह जाती हैं, ओके, दे फ्यूज टुगेदर। तो अडल्ट में 206 एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ 305 बोन्स, याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन? द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो,
हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? क्योंकि हमारी बॉडी की शेप है बेटा, हमें अपना फ्रेमवर्क अच्छे से पता है, नंबर ऑफ बोन्स भी पता है, हम फील कर सकते हैं इन बोन्स को, तो हम बता भी सकते हैं, हम अपने हेड को फील करके, रिब्स को फील करके ये बता सकते हैं कि ये जो स्केलेटन दिया है भाई ये हमारा ही है, ये किसी और एनिमल का नहीं है। या फिर हम एक्सरे करवा लें अपनी बॉडी का तो भी हमें हमारे स्केलेटन का जो फ्रेमवर्क है पूरा दिख जाएगा। नाउ डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे? आप उसमें देख सकते हो, ठीक है, जब आपको कभी इंजरी लगती है, पॉसिबल इंजरी लगती है, तो आपको ऐसे दिख नहीं रहा इंटरनल स्ट्रक्चर, तो आप एक्सरेज की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, वो आपको डिफरेंट शेप्स बता देगा बोन्स की, कहाँ पे इंजर्ड है, कहाँ फ्रैक्चर्ड है। नाउ फील द बोन्स इन योर फोर आर्म में आप अपनी बोन्स को फील कीजिए, अपर आर्म में कीजिए, लोअर लेग एंड अपर लेग में कीजिए। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, तो आप क्या देखोगे, फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेजेस। तो आप देखो, बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? अपनी फिंगर्स को करो तो बड़े आराम से कर ले रहे हो ना, है ना। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? तो उसको आप अपनी पाम को करो फील, रिस्ट को करो, फ्लेक्सिबल है बिल्कुल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स दैट आर कॉल्ड कार्पल्स, याद करना है आपने, ठीक है, कार्पल्स बोन्स हैं आपकी फिंगर्स की। व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन? तो हम मूव नहीं कर सकते थे, लिख नहीं सकते थे, राइटिंग हो नहीं सकती थी पॉसिबल अगर हमारी सिंगल बोन्स होती तो। तो कार्पल्स की हेल्प से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी फोर में देखिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, होल्ड कर लो उसको। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। अब आपने क्या करना है, अपनी चेस्ट बोन्स को फील करो, ठीक है, काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट, जो रिब्स हैं आपकी चेस्ट में बोन्स हैं उनको आप लोग फील करो। देखिए ज़रा 8.10 फिगर में द रिब केज बना हुआ है ना, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर है, हम इसको फील कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व 8.10 फिगर केयरफुली, तो आपको पता चलेगा चेस्ट बोन्स हैं ये, रिब्स हैं ये, बेंट हो रखी हैं, दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स एंड दिस इज कॉल्ड रिब केज, इसको हम रिब केज बोलेंगे, ठीक है। देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, हमारी चेस्ट के बेटा दोनों तरफ कितनी रिब्स हैं, 12 रिब्स हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इन साइड दिस केज, तो यहाँ पेंसिल से नोट कर लो, मैं बता देती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हमारा हार्ट है ना, ये बहुत डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन है, तो ये रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है। आस और लंग्स हैं हमारे, ठीक है, लंग्स, हार्ट, दे आर प्रोटेक्टेड इन साइड दिस केज। नाउ आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, अपने फ्रेंड को बोलो अपने घुटने बिना बेंड किए अपने टोज को टच करें। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, आप उस अपने फ्रेंड की नेक से नीचे की तरफ आ जाओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फील करो जरा वो बोन्स, व्हाट यू फील, दिस इज अ बैक बोन, ये हमारी बैक बोन है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है, जिसलिए हम खड़े हैं, चल रहे हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि बैक बोन की स्मॉल बोन्स को क्या कहते हैं हम, वर्टिब्री कहते हैं बेटा, ये आपने याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बैक बोन में कितने नंबर ऑफ वर्टिब्री होती है, तो 33 नंबर होता है इनका, ठीक है। द रिब केज इज ज्वाइन टू दीज बोन्स, और जो रिब केज है वो हमारी इन्हीं बोन्स के साथ, वर्टिब्रीज के साथ ज्वाइंड है। तो इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर आप अब इमेजिन करो कि अगर हमारी बैकबोन सिर्फ एक ही बोन से बनी होती, तो आपका जो फ्रेंड है या आप हो, आप बेंड कर सकते, तो आपको आंसर मिल जाएगा नो। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, अपने फ्रेंड को बोलो दोनों हाथों से वॉल को पुश करें। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, है ना, तो इनको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। हम प्रेस कर रहे हैं ना, तो टू बोन्स जो हमारी आर्म के बिल्कुल लास्ट में हैं उनको आप हाँ फील कर सकते हो, तो दीज आर शोल्डर बोन्स। अब हम बात करेंगे फिगर 8.13 की, यहाँ पे पेल्विक बोन्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेल्विक बोन्स, अंडरलाइन कीजिए इसे। ये कहाँ होती हैं बेटा, ये हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे होती हैं, बिलो द स्टमक, ठीक है। तो इनकी जो लोकेशन है पेल्विक बोन्स की,
that is below the stomach. Now this part, this is the part you sit on, और इसके ऊपर आप बैठते हो. हम बैठते हैं ना, तो ये बैठते हैं हम कौन सी बोन्स पर है, पेल्विक बोन्स पे. ठीक है, इसको आम भाषा में यूज़ किया करो. जब आप बैठ रहे हो तो अपने फ्रेंड को बोलो, हाँ भाई कौन सी बोन्स पे बैठी हो, तो आपको आंसर देगा पेल्विक बोन्स पे. आज के बाद आप जब भी बैठोगे तो आपको मेरी बात याद आनी चाहिए, आप कौन सी बोन्स पर बैठ रहे हो. आप पेल्विक बोन्स पर बैठ रहे हो जो आपके स्टमक के जस्ट बिलो हैं. ओके, वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द ज्वाइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन. देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट. तो इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज. ठीक है, कुछ एडिशनल हमारे स्केलेटन में बोन्स लगी हुई हैं बेटा. वो बोन्स की बोन्स ही होती है लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, कार्टिलेज. नाउ फील योर ईयर, अपना कान पकड़ लो. ठीक है, उसको फील करो. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट? येस, आपको एक इलास्टिक प्लास्टिक जैसा है ना, जो मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, ऐसा हार्ड पार्ट आपको पता लगेगा अगर आप उसको प्रेस करके देखोगे. एयर पे ना बोलते हैं इसको, अपर पार्ट ऑफ द एयर हैज़ कार्टिलेज, है ना. नीचे तो एयर लोब है, तो ये आपको कार्टिलेज जो है वो दिख जाएगा. आप नोज़ की टिप पर भी अपनी फिंगर को टच करके पता लगा सकते हो कार्टिलेज का. हमारी नोज़ टिप जो है वो भी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट पार्ट से, बोन से बनी है, दैट इज़ नोन एज कार्टिलेज. तो हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं ना बेटा, वहाँ पर ये कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट होता है, मूवमेंट हो जाती है इसकी, इसलिए ये हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. आप फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, बहुतों को आप मूव कर सकते हो. नाउ ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. सब बच्चों ने बनाना है इसे. वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वेज. तो बेटा एक फिस्ट बना लो, मुट्ठी बंद कर लो एक हाथ से, बेंड योर आर्म एट द एल्बो में बेंड कर लो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब. थंब से अपने शोल्डर को टच करो. डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? येस, आपकी जो अपर, टच इट विद द अदर हैंड, दूसरे हाथ से आप टच करो. ये आप बहुत करते हो, बॉडी दिखाते हो एक दूसरे को, है ना. तो आप जो स्वॉलन पार्ट आप जिसको टच कर रहे हो, देखो पार्ट ए में करके दिखाया हुआ है, बी में फिर रिलैक्स कर दिया हुआ है. तो टू मसल्स हैं जो एक साथ काम करती हैं. ये स्वॉलन रीजन जो है अपर आर्म का, इट इज़ नोन एज मसल. ठीक है, और जो मसल है, द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. जब कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स तो ये बल्ज करती हैं. ठीक है, फूलती हैं. इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, छोटी हो जाती हैं. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. अब आपने वापस जब अपने हाथ को कर देना ना सीधा, तो नॉर्मल पोजीशन में जब आप लेकर आओगे तो क्या होगा आपकी मसल को? इज़ इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? नहीं बेटा, वो रिलैक्स हो जाएगी. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन. ठीक है, इसी तरह से अपने थाई बोन में भी आप वो फील कर सकते हो जब आप चलते हो, दौड़ते हो. तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना बेटा मसल, द मसल बिकम शॉर्टर, छोटी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, मोटी हो जाती है. ठीक है, थिक हो जाती है. तो ये बोन को पुल करती है. पुल का मतलब क्या होता है? खींचना. ठीक है, तो मसल्स वर्क इन पेयर्स. मसल्स किस में काम करती हैं? हमेशा पेयर्स में काम करती हैं. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, बोन उसी डायरेक्शन में खींचती है. द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, और एट द सेम टाइम जो दूसरी मसल होती है वो रिलैक्स कर रही होती है. टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन. इसी तरह से जब एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पहले वाली रिलैक्स करती है, पहले वाली अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स करेगी. इसका मतलब जो पुल पुश है वो इकट्ठा चलता है इनका. अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश. ये याद रखना है आपने कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जब वो पुल करेगी बोन को, दूसरी रिलैक्स करेगी. जब दूसरी पुल करेगी तो पहले वाली रिलैक्स करेगी. तो दोनों ही सिचुएशन में पुलिंग हो रही है. एक मसल हमेशा पुल करती है, बोन को खींचती है, वो कभी पुश नहीं करती. ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है बात. और दूसरी बात क्या याद रखनी है? टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर. ठीक है, एक बोन को मूव करने के लिए दोनों मसल्स को इकट्ठा काम करना पड़ता है. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? हमेशा मूवमेंट के लिए चाहिए ये. एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? उनकी भी बोन्स होती हैं. अर्थवर्म का क्या?
जो इतना सॉफ्ट होता है स्नेल का क्या? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स. ठीक है, गेट ऑफ एनिमल्स यानी मूवमेंट. अब एनिमल्स में पढ़ेंगे, अर्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले. तो एक्टिविटी 5 कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर रहा है आपका, थोड़ी कंसंट्रेशन और दीजिए. बहुत अच्छे से जा रहे हैं हम, अच्छे से समझ आ रहा है तुम्हें. नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज करके फिर रिपीट कर लो. नाउ ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन. एक गार्डन में अर्थवर्म को देखो आप. ठीक है, केंचुआ बोलते हो ना आप उसको. तो जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर. लिफ्ट करके ना इसको फिल्टर पेपर पे रख लो. आप इसके मूवमेंट देखो, स्मूथ ग्लास प्लेट पे देखो, स्लिपरी सरफेस पे. जब आप इसकी मूवमेंट को देखोगे ना बेटा, तो आपको पता चलेगा द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स. है ना, ज्वाइंट एंड टू एंड, एंड टू एंड रिंग्स ज्वाइंट हुए हैं. इस तरह से उसकी बॉडी बनी हुई है अर्थवर्म की. ये मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म देखो आप. एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. इसकी कोई बोन्स नहीं होती, इसकी सिर्फ मसल्स होती हैं जो इसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में हेल्प करती हैं. मसल्स क्या करती हैं, एक्सटेंड करती हैं, शॉर्टन द बॉडी, फिर आगे, शॉर्टन द बॉडी, फिर आगे. यानी पुल वाले प्रिंसिपल पर चली हुई हैं ये मसल्स और मूवमेंट होती है. है ना, कैसे होती है मूवमेंट अंडरलाइन करो. ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड करता है फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड. पीछे वाला फिक्स रहता है ग्राउंड में, पीछे नहीं जाता वो, फिक्स रहता है. देन इट फिक्सेस द फ्रंट. फिर फ्रंट वाला फिक्स हो जाता है एंड रिलीजेस द रियर एंड. पीछे वाला एंड जो है वो रिलीज हो जाता है. देन इट शॉर्टन्स द बॉडी. बॉडी छोटी हो जाती है एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. और पीछे वाले रियर एंड को वो आगे की तरफ पुल करती है बॉडी जब छोटी हो जाती है. तो दिस मेक्स इट मूवमेंट फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है, छोटा छोटा डिस्टेंस वो कवर करता है. रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थफॉर्म्स कैन मूव थ्रू सॉइल. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्थफॉर्म की मूवमेंट किस तरह से होती है, किस तरह से पहले वो फ्रंट पार्ट को अब आगे मूव करता है, रेयर पार्ट उसका पीछे वाला फिक्स होता है ग्राउंड में, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, और रेयर पार्ट को रिलीज कर देता है, बॉडी शॉर्ट हो जाती है और आगे की तरफ पुल हो जाती है. तो यही कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो अर्थवर्म को मूव करने में हेल्प करती हैं. एक स्लिमी सा सब्सटेंस सिक्रीट करता है अर्थवर्म. ठीक है, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है. हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड. तो अपर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं ये ब्रिसल्स. ये मसल्स को कनेक्ट करते हैं. द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल. मिट्टी खाता ना वो. इट बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इट ईट्स. और सॉइल ही इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं. तो दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स. तो चलते चलते मूवमेंट करते करते वो जब अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है एज अ फर्टाइल सॉइल, तो सॉइल और भी ज़्यादा जो है यूजफुल हो जाती है प्लांट्स के लिए. इसीलिए तो बेटा अर्थवर्म्स को फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड बोला गया है. नाउ स्नेल की बात करें, एक्टिविटी 6 देखो. स्नेल के डायग्राम तुम्हें दिखाई देगा, राउंडेड स्ट्रक्चर है इसकी बैक के ऊपर. है ना, ये गार्डन या फील्ड में आपको दिख जाएगा. दिस इज कॉल्ड द शेल. जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ना इसकी बॉडी के ऊपर, इसको हम कहते हैं शेल. एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. ठीक है, लेकिन ये बोन से नहीं बना बेटा. द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट है. ये डज नॉट हेल्प इन मूविंग. उसको मूव करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करती. इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग. तो प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट. एक ग्लास प्लेट पे स्नेल को रखो बच्चे, एंड वॉच इट. जैसे अर्थवर्म को देखा था वैसे इसको देखो, तो आपकी इसकी मूवमेंट पता चल जाएगी. अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल. ये जो थिक स्ट्रक्चर है, इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. ठीक है, तो हम स्ट्रॉन्ग मसल्स, मस्कुलर फुट बोल सकते हैं मूवमेंट वाला जो ऑर्गन होता है स्नेल का. ध्यान से सुनो मेरा. ठीक है, मस्कुलर फुट जो मूवमेंट में हेल्प करता है स्नेल की. नो केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वे मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन. ओके, तो कॉकरोच की बात करेंगे हम नेक्स्ट, एक्टिविटी 7 में. कॉकरोच को देखो कैसे वॉक और क्लाइंब करता है, हवा में उड़ता है. 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, याद रखेंगे, अंडरलाइन करो, जो उसको वॉक करने में हेल्प करते हैं. सारी की सारी बॉडीज की हार्ड आउटर स्केलेटन में जो से कवर्ड होती है.
ठीक है, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं जिसको। तो ये जो आउटर स्केलेटन है ना बेटा, ये किससे बना होता है, नंबर ऑफ प्लेट से बना होता है जो आपस में ज्वाइंट होती हैं एक दूसरे के साथ और मूवमेंट को अलाउ करती हैं। देयर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। कौन कौन से? टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड होते हैं इसकी बॉडी में जो इसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। स्मॉल हाइट पे फ्लाई करता है बेटा कॉकरोच, आपने देखा होगा है ना। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं नियर द लेग्स जो मूव करती हैं लेग्स को, वॉक करता है जब कॉकरोच। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स ऑल्सो वेन द कॉकरोच फ्लाइज। तो बॉडी मसल्स वॉक करने में भी हेल्प कर रही हैं और फ्लाई करने में भी। बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स को तो आपने खुली हवा में उड़ता हुआ देखा हुआ है, ग्राउंड पर चलता हुआ देखा हुआ है, डक्स को देखा हुआ है, स्वैन्स को आपने पानी में स्विम करते हुए देखा है। तो बर्ड्स क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो उड़ने के लिए वेल सूटेड है। फर्स्ट जो चीज़ उनको हेल्प करती है वो ये कि उनकी बॉडी में जितनी भी बोन्स होती हैं खाली होती हैं अंदर से, हॉलो, इसकी वजह से लाइट होती हैं, हल्की होती हैं वेट में। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्ब, जो पीछे वाले लिम्ब्स होते हैं उसके, आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन जो है वो बर्ड्स में होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे, देखो स्केलेटन ऑफ बर्ड, हॉलो बोन्स हैं, हाइंड जो लेग्स हैं वो हेल्प करती हैं वॉकिंग और पर्चिंग में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसकी ब्रेस्ट बोन मॉडिफाइड होती है जिसमें मसल्स ऑफ फ्लाइट होती हैं। तो अंडरलाइन कीजिए, ब्रेस्ट बोन हेल्प करती है इसको फ्लाइट में, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रेस्ट बोन हैं दे आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। जो फ्लाइट करने में मसल्स को हेल्प करेंगी ना, वो मॉडिफाइड ब्रेस्ट बोन्स हैं विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। फिश की बात करें तो पेपर बोट बनाते हो ना आप, पानी में चलाते हो है ना, तो किस तरह की शेप होती है पेपर बोट की? स्ट्रीमलाइंड होती है। तो उसी तरह की बॉडी होती है फिश की भी, ठीक है, ये देखिए पेपर बोट की तरह ही। तो जो शेप होती है बोट की वो फिश की तरह होती है, उसको हम स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं बेटा। ये पानी को कट करने में, स्विम करने में हेल्प करती है किसकी? फिश की, क्योंकि दोनों ही एंड से ये टेप बॉडी को टेपर करती है एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो इस शेप की वजह से ही स्विमिंग पॉसिबल होती है, हेल्प करती है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजीली, और फिश को अलाउ करता है पानी में मूव करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग मसल से फिश का स्केलेटन कवर होता है बेटा। जब फिश स्विम करती है मसल्स जो हैं कर्व बनाते हैं फ्रंट पार्ट में वन साइड में, और जो टेल है वो स्विंग करती है अपोजिट साइड में, तो फिश फॉर्म अ कर्व, ठीक है, जैसे फिगर 8.24 में बताया गया, और क्विकली बॉडी को जो टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेक्स अ जर्क, एक जर्क, एक पुश उसको मिलता है, बॉडी फॉरवर्ड जाती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड, दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। ये देखिए है ना, ये फिगर में प्रॉपर इसकी मूवमेंट बताई हुई है किस तरह से मूव करती है। तो इसके फिन्स भी होते हैं फिश के बॉडी में जो उसको हेल्प करते हैं बॉडी के बैलेंस को बनाने में, उसको डायरेक्शन देने में वाइल स्विमिंग करते हुए, है ना। तो हाउ डू स्नेक्स मूव देख लेते हैं। स्नेक्स की मूवमेंट को हमने देखा था टेबल जब भरा था हमने, 8.1 स्लिदरिंग बोलते हैं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है इसमें। और जो स्नेक्स है उसकी लॉन्ग बैकबोन होती है बेटा, दे हैव मैनी थिन मसल्स, और बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन को भी इंटरकनेक्ट करती हैं, रिब्स और स्किन को। तो जो स्नेक की बॉडी होती है वो उसकी जो बॉडी कर्व्स हैं स्नेक्स की इनटू मैनी लूप्स में, द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स में। ईच लूप जो है, हर एक लूप जो है स्नेक का, वो उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। सिन इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट पुश, तो इस तरह से स्नेक जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत जल्दी जाता है और वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, क्योंकि कर्व्स के लूप है ना, स्ट्रेट लाइन में स्नेक नहीं चलता। वी हैव लर्न्ड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, इस चैप्टर में पढ़ा है पहेली और बूझो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट मूवमेंट्स के रिगार्डिंग थे। तो सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड। तो ये बहुत जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर है ना हमारा अरिस्टोटल बेटा, उसने एक बुक लिखी है गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द
वे दे डू। तो जब आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पता चल जाते हैं एनिमल्स में, है ना, कि हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दो हमारी ह्यूमंस की 2 लेग्स ही क्यों होती हैं, काउस बफलोज की 4 क्यों होती हैं, तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं नंबर ऑफ लेग्स होती है, व्हाई इज़ द बेंडिंग ऑफ हर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हर आर्म्स। तो इन सब के कुछ आंसर्स आप उसमें मिलेंगे। सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स। बहुत सारी एक्टिविटीज़ से हमें आंसर्स मिले भी हैं। इसके साथ साथ हम ये अपना जीके बढ़ा लें ज़रा योगा के बारे में। इसमें यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारी यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है बेटा 21 जून जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाया जाता है। ये योगा हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, बैकबोन को सीधा रखती है, हमको सीधा बैठने में है ना हेल्प करती है। हम स्लाउचिंग होता है टेढ़ा होके बैठना, पीठ को टेढ़ा होके बैठना चेयर पे, तो उस वैसे हमें प्रिवेंट करती है ऐसी सिटिंग से। तो योगा से हम फ्रेश रहते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, इससे जॉइंट पेन नहीं होता हमें, ठीक है। जो बूढ़े लोग हैं उनको जॉइंट पेन्स की बहुत दिक्कत रहती है, तो योगा उनको बहुत हेल्प करता है, पेन को पेन से रिलीफ मिलता है उनको। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी, हार्ट को हेल्दी रखते हैं, हार्ट ज़्यादा काम करता है। और कुछ ऐसे योगा पोस्चर्स होते हैं जो हमें ट्रेंड पर्सन्स की सुपरविजन में ही करने चाहिए, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं करने चाहिए। तो ये बेटा आपका चैप्टर था, दीज आर योर कीवर्ड्स। समरी आप ज़रूर पढ़िए, रिकैप्चुलेशन होता है। बच्चे मुझे आपके कमेंट्स का बहुत वेट रहता है, वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें और बार बार इस वीडियो को सुने, हर एक कंसेप्ट आपको डिटेल में समझाया है मैंने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।